हुकुम वीर प्रताप फर्स्ट ग्रुप में विराजमान सभी क्षत्रिय छत्राणियां बना बाईसा और गुरुदेव बना बाईसाओं को जय माता जी की, गुरुदेव को नमन। मैं सुखदेव सिंह गोगा मेडी। हुकुम जो आज जितने भी समाजों के जनप्रतिनिधि थे, अध्यक्ष वगैरह, और वो सब वार्ता में गए थे और वहां वार्ता के अंदर जो हमारी मांगे थी उनको मान लिया गया है। जो अपने कर्सा राजपूत थे, हमारी जो मांग थी पिघेलो सरकार देकर गई थी, उन पर मौखिक रोक लगा रखी है, तो वहां वो मांगे मान ली गई है। और वहां रेवनी के बोल्ड भी लगाए जाएंगे, रेवनी वहां कैंप लगाएगी और जो भायल अन्य अन्य सोडा वो लिखते हैं वो सारे प्रमार लिखने शुरू कर दें, जो प्रमार लिखते हैं उनको वो मिलेगा। इसके साथ साथ जो अपनी गुजरों के आंदोलन में एक गुजर जैनरण बोर्ड का गठन हुआ था, उसी तरह हम लोगों ने भी कहा है भी सवर्णों में जो गरीब लोग हैं गाना सेट करके उनके लिए एक पहले भी डाला था महाराणा प्रताप यूट्यूब पे चल रहा बोर्ड गठित किया जाए, उसके लिए भी सरकार ने एक उच्च कमीशन नियुक्त कर दिया है और उसमें राव साहब होंगे। राव साहब अति ज्ञानी आदमी है और वो हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। और पहले डाला था मैंने पलट साथ साथ तेरे कुर्बान तेरा ध्यान जो किधर है, अब कुछ दूसरे आप आगे डालूंगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण की, उसमें भी सरकार ने हमारे से ये वादा किया है कि आर्थिक आधार पर 14% जो आरक्षण है इसका हम प्रारूप बनाकर दिल्ली भेज रहे हैं और संविधान में संशोधन होकर ये आर्थिक आधार पर लग सकता है। यहाँ हम पास कर देंगे तो कोर्ट से इस पर स्टे हो जाएगा, इसलिए लागू नहीं होगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप इसको यहाँ से चिट्ठी बनाकर सरकार दिल्ली को भेजें, हम उस लेटर के पीछे पीछे दिल्ली को घेरने के लिए भी तैयार हैं। आप युवाओं की भावनाओं को देखते हुए, आप लोगों की जो एकता है उसको देखकर इतिहास में पहली बार सरकार आंदोलन से पहले झुकी है। जो हम लोग आंदोलन करके उनसे लिखित में जो आदेश लेने थे वो सरकार ने आज पहले ही दे दिए। मैं परसों की वहां मीटिंग में भी गया था, वहां भी अड़ा था मैं और आज भी मैंने तर्क वितर्क बहुत किए और जो हमारी मांग थी वो सरकार ने मांग ली, इसलिए हम लड़े। तो लड़े किस बेस पर, और वो भी लिखित में उन्होंने दे दी कि हम 120 दिन के अंदर ये कमीशन और ये नियुक्त करके और सर्वे रिपोर्ट जारी कर रखी है पहले। ओम नमः शिवाय, जय श्री माँ, जय माँ भवानी, जय माँ योगेश्वरी योग माया, जय माँ महाकाली, जय माता जी की। अभी राजस्थान का आर्थिक आरक्षण के संबंध में क्षत्रिय राजपूतों का बयान भी देखा और जो कार्यवाही वहां हुई है, जातिगत आधार को छोड़ करके आर्थिक आधार के आधार पर आरक्षण किए जाने की मांग वहां क्षत्रिय राजपूतों द्वारा की गई और राजस्थान सरकार ने उस मांग को मंजूर किया। अभी सुखदेव सिंह का भी इस संबंध में ऑडियो सुना और रिलीज तो कल प्रेस की आ चुकी थी, तो कल ही हम ब्रॉडकास्ट भी कर चुके हैं और रिलीज भी लगा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी राजस्थान के मुझसे उम्र में बड़े जितने भी राजपूत भाई हैं उन्हें सबको प्रणाम करना चाहूँगा, उनको चरण स्पर्श पहुँचे, मुझसे छोटे हैं उन्हें स्नेह और आशीर्वाद पहुँचे और सब बधाई देना चाहूँगा मैं सभी राजपूतों को, क्षत्रियों को, कि उन्होंने जो क्षत्रियों का मान गौरव मर्यादा और एकान और बान और शान रही है और भारत जैसे देश में जिसने महाभारत जैसी पूरी विश्व सत्ता पर साम्राज्य किया हो, उनका एक मान सम्मान गौरव आत्मसम्मान और मर्यादाएं जो रही उनकी रक्षा की, उन्होंने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ी, स्वार्थ की बात नहीं कही,
सभी जातियों के लिए आर्थिक आरक्षण पर बात की। सभी कोई सा भी हो, सभी के लिए उन्होंने आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मांगा। मैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये वीडियो है महाभारत योद्धा अर्जुन का वंशज और दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी राजस्थान के राजपूतों द्वारा इस मान सम्मान को बनाने बचाने और अक्षुण्ण रखने के लिए सबसे पहले उनको धन्यवाद भी दूंगा और उसके अलावा बधाई भी दूंगा। बिना किसी आंदोलन के पहली बार देश में कोई मांग मंजूर हुई है। क्षत्रियों का एक स्वयं का सम्मान है, राजपूतों का स्वयं का एक सम्मान है। ये हुक्मरान रहे हैं। भारत का 3,73,00,000 साल पुरान इतिहास है जिसमें इनका पूरा हुक्मनामा अभी 1000 साल पहले तक इस धरा पर चलता रहा है। ये कुछ मांगे ये शोभा नहीं देता, अपने लिए मांगे तो ये तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। स्वार्थ की लड़ाई कोई भी क्षत्रिय और राजपूत नहीं लड़ता और न लड़ी और न वहां बात कही। इससे बड़ा गौरव क्षत्रिय और सम राजपूतों के लिए और क्या होगा। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अगर अंतिम कोई आशा की किरण है या इस जनता की अंतिम कोई उम्मीद है तो वो केवल क्षत्रिय राजपूत है। और यह अंतिम उम्मीद अंतिम आशा जब खड़ी होती है लड़ने के लिए और अड़ने के लिए तो फिर कोई इलाज शेष नहीं रहता। कोई भी फिर सामने टकराएगा ना तो इनका तो इतिहास ही रहा है मरना या मार देना, मिटना या मिटा देना। अस्थियां मिटा देते हैं, अस्थियां मिटा लेते हैं मगर झुकते नहीं। और यह वहां पर जो उन्होंने राजस्थान में दिखाया एक फर्क दिखा दिया। जाटों ने लड़ाई लड़ी स्वार्थ के लिए, अपनी जाति के लिए आरक्षण चाहिए, कोई अपनी जाति के लिए मांगता है कोई अपनी जाति के लिए, लेकिन क्षत्रिय और राजपूतों ने किसी जाति के लिए आरक्षण नहीं मांगा, अपनी जाति के लिए नहीं मांगा, आर्थिक आधार पर सभी के लिए मांगा और सभी के लिए सरकार ने मंजूर भी कर लिया, जिसके लिए सभी क्षत्रिय राजपूत पूरे राजस्थान के, चूंकि राजस्थान के क्षत्रिय राजपूत सम्मेलनों में मैं जाता रहा हूँ, शिरकत करता रहा हूँ और बड़े मंचों से वहाँ पर बैठ करके मैंने भाषण भी दिए हैं, संबोधन भी किए हैं, उनसे बात की है। तो एक राजपूताने का जो गौरव है, क्षत्रियों का जो सम्मान है, उन्होंने बचाया उसको, उसकी रक्षा की, सबके लिए लड़े, आर्थिक आधार पर सबके लिए आरक्षण मांगा, सरकार ने उसको मंजूर कर लिया और उन्हें मैदान में नहीं आना पड़ा। ये सबसे बेहतरीन बात इस देश में, भारत में सबसे अच्छी बात कोई हुई है तो वो ये। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। अब रही बात, जैसा कि सुखदेव सिंह जी ने भी कहा और जो प्रेस रिलीज में भी आया है कि आर्थिक आधार पर जातिगत भेदभाव के बगैर सभी को देने के लिए आरक्षण संविधान में संशोधन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। और मेरी यह सलाह है, चूंकि कहिए जनाब कानून का मैं जानकार हूं, एक एडवोकेट हूं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाकायदा ये विधानसभा से उसको पारित करके और तब वे भारत सरकार को भेजें। और रही दूसरे प्रदेशों में, गाड़ी सोने का दूर रखो यार, तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूंगा, पंजाब हरियाणा और आपके हिमाचल प्रदेश सहित भारत के जितने भी राज्य हैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूंगा मैं, वे सभी ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि भारत के अंदर में आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं,
केवल और केवल मात्र गरीब को दिया जाए, आर्थिक आधार पर दिया जाए। जो आर्थिक रूप से जिनकी कमजोरियां हैं, गरीब की कोई जाति नहीं होती, अमीर की कोई जाति नहीं होती। गरीब किस जात का है यह कोई नहीं कह सकता। गरीब ब्राह्मण भी होता है, गरीब सुदामा, या फिर गरीब क्षत्रिय भी होता है। आप उनके घरों में जाकर के देखिए, भूख प्यास और ऊपर से तमगा सिर्फ और सिर्फ मात्र क्षत्रिय राजपूत होने के कारण उनको दंड झेलना पड़ता है। और जिनके पास में अरबों की संपत्तियां खड़ी हैं, करोड़ों की संपत्तियां खड़ी हैं, हवेलियां खड़ी हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, सैकड़ों बीघा जमीन है, वे आरक्षण ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, बरसों हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन उनको आरक्षण मिलता है। मंत्री बने हैं लेकिन उन्हें आरक्षण मिलता है। क्या है ये सब? ये सब बंद होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ और आर्थिक आधार पर, सिर्फ और सिर्फ गरीबी के आधार पर, चाहे कोई सी भी जाति हो। हम केवल क्षत्रिय राजपूतों के लिए हमने आरक्षण नहीं मांगा, हमने सभी के लिए मांगा। और सिर्फ गरीबी के आधार पर दिया जाए, आर्थिक आधार पर दिया जाए, कि उसकी कोई सी भी जात हो। और बात केवल यहीं तक नहीं है कि केवल गरीब अगड़े या अगड़ी जाति के गरीब को ही आरक्षण मिले। हम ये कहते हैं कि चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, उनको भी सिर्फ और सिर्फ मात्र आर्थिक आधार पर और या उनकी गरीबी के आधार पर आरक्षण दिए जाए। जिसके पास हवेलियां खड़ी हैं, जो मुख्यमंत्री और मंत्री बने बैठे हैं या अफसर बने बैठे हैं, आईएएस आईपीएस या और कोई किसी पोस्ट को धारण करे हुए हैं, यहां पर छापे पड़ते हैं मध्य प्रदेश में, तो आरक्षित वर्ग के हैं, मिल रही उनके यहां करोड़ों की संपत्तियां, अरबों की संपत्तियां, ये सब क्या है? ये आरक्षण के पात्र हैं क्या? आरक्षण का पात्र सिर्फ और सिर्फ गरीब, और गरीब की कोई जाति नहीं होती। तो किसी भी जाति के भेदभाव के बगैर, लैंगिक भेदभाव के बगैर, भारत का संविधान भी इस बात को कहता है कि यहां धार्मिक, जातीय और लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। केवल व्यक्ति मात्र को, और जो भी आर्थिक रूप से विपन्न है, गरीब हैं, किसी भी जाति के हों, चाहे वो अजा जजा या फिर चाहे पिछड़ा वर्ग हो या अनारक्षित वर्ग हो, गाड़ी सोने का दूर रखो याला। तो जो 49% आरक्षण वो बेबेगर आज भारत में दिया जा रहा है किसी को भी, ये पूरा 49% आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। कोटा सब खत्म कर, समाप्त कर दिए जाने चाहिए। कोटा सिस्टम कोई नहीं चलना चाहिए इस देश के अंदर में। जातिगत कोटा कोई नहीं, धार्मिक कोटा कोई नहीं, संप्रदाय और वर्ग के आधार पर कोटा कोई नहीं होना चाहिए, लैंगिक आधार पर कोई कोटा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति मात्र। तो व्यक्ति मात्र का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, केवल मात्र उसके आर्थिक आधार पर, उसकी गरीबी के आधार पर उसको आरक्षण दिया जाए। क्षत्रिय राजपूतों द्वारा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कही गई, राजस्थान सरकार द्वारा वो बात को माना गया है, वहां पर बाकायदा उसका एक कमीशन गठित किया गया है जो रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर वो प्रस्ताव पारित करेंगे। तो राजस्थान सरकार उसको विधानसभा से पारित करके भारत सरकार को भेजे, और मैं भारत सरकार, भारत के जितने भी राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और उसके अलावा अन्य जो जितने भी अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, मैं उन सबकी तरफ से राजस्थान के क्षत्रिय राजपूतों के शौर्यशाली इतिहास उन्होंने लिख दिया, उन्होंने रच दिया, हम उनसे वायदा करते हैं कि आपको राजस्थान विधानसभा घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिल्ली चलेंगे, संसद घेरेंगे। आप क्या लाखों राजपूतों क्षत्रियों की बात करते हैं, हम करोड़ों सिरों के साथ पहुंचेंगे और भारत की संसद के घेरेंगे, और भारत की संसद को आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना होगा, किसी भी जात के आधार पर नहीं, कोई कोटा नहीं, किसी
के लिए कोई भी धर्म या संप्रदाय के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, किसी की कोई जाति नहीं, गरीब गरीब होता है सिर्फ। न वो अल्पसंख्यक होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। गरीब तो केवल गरीब होता है, और हम केवल गरीब के लिए लड़ रहे हैं। जो भी गरीब हैं, जो करोड़ों की बेशकीमती बिल्डिंगों में रह रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और जिनके पास जमीन है, गाड़ियों में चल रहे हैं, और 10-10 मोबाइल सेट रखे बैठे हैं, ये आरक्षण के पात्र हैं। ये अगर आरक्षण मांगे तो हम क्षत्रिय राजपूतों से कहते हैं कि भारत की संसद को हम घेरेंगे, और करोड़ों के साथ घेरेंगे। आप लाखों की बात क्या करते हैं। और हमारे साथ में केवल क्षत्रिय राजपूत नहीं, वो क्षत्रिय राजपूत तो सिर्फ नेतृत्व करेंगे, और बाकी का पूरा देश आप वहां खड़ा देखेंगे। ये हमारा वायदा है, हम आपके साथ चलेंगे, और इस नेतृत्व को मैं संभालूंगा। एक बार मैंने महाजन आयोग का यहाँ पर बंद करवाया था मध्य प्रदेश में, उसका नेतृत्व, उस आरक्षण का मैंने ही, आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व मेरे ही हाथ में था, मैंने किया था। सबसे पहले यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठने वाला मध्य प्रदेश में ये वीडियो हम ही थे, और वो हमने वापस करवा दिया था, खत्म करवा दिया था। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जातिगत भेदभाव संविधान भी मना करता है, धार्मिक भेदभाव भी संविधान मना करता है, संप्रदाय और वर्ग के आधार पर भी भेदभाव मना करता है। अनुच्छेद 14, 15, 16 जब मौजूद हैं भारत के संविधान में, और वो इसी बात को कहते हैं, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा, जाति नहीं होगा, वर्ग और संप्रदाय के आधार पर नहीं होगा, तो फिर आरक्षण कैसे मिल सकता है किसी इस प्रकार के भेदभाव के आधार पर? नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये हमारी एक न्यायपूर्ण क्षत्रिय न्याय करते आए हैं, राजपूत न्याय करते आए हैं, इसलिए राजा रहे। और राजाओं का कार्य न्याय करना। हम न्याय की बात करते हैं, हमने स्वार्थ की बात नहीं की। हम जाट या गुजर नहीं है, जो अपने अपने हैं, हमको दो नहीं, हमको नहीं, पूरे भारत को दो, हर व्यक्ति मात्र को दो, जो भी गरीब है, जो भी आर्थिक रूप से विपन्न है। हमने ये मांग राजस्थान में की, राजस्थान सरकार ने उसको मंजूर किया, और इसके लिए हम समस्त राजस्थान के क्षत्रिय राजपूतों को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद और बधाई देंगे। विशेषकर चूंकि मेरा तो पूरे राजस्थान के सभी क्षत्रिय राजपूतों से बहुत गहरा ताल्लुकात है, और स्वयं मेरी ननसारी वहाँ राजस्थान में है, परमार राजपूतों में, तो मैं तो चूंकि राजस्थान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। भारत के हर राज्य के मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे, समय रहते ये 120 दिन खत्म होने से पहले सभी लोग अपनी अपनी विधानसभा से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करके दिल्ली भेज दें। हम लोगों को यह नेतृत्व न करना पड़े, तलवार न उठाना पड़े, फिर से न उठे तलवार। केवल इतना है हमारा बस आपसे अनुरोध कि हमको ये लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य न किया जाए। हम न्याय की बात कर रहे हैं, अन्याय की नहीं। तो हम जब न्याय की बात करते हैं तो हम न्याय मांगेंगे नहीं, हम न्याय ले लेंगे, छीन लेंगे। और दिल्ली में संसद को आप लोग नहीं हिला पाओगे जब वहां क्षत्रिय राजपूत नेतृत्व करेंगे और पूरा भारत देश वहां खड़ा दिखेगा, तब हम आपको बताएंगे कि बहुत हुई राजनीति, घृणित राजनीति, अब ये बंद कर दी जाए। अब जब क्षत्रिय राजपूतों ने ये मोर्चा संभाल ही लिया है तो फिर ठीक है, हम सब के सब भारत की संसद को घेरेंगे, और पूरे भारत देश में कोई जितना भी भेदभाव है ये सब समाप्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ केवल गरीब के लिए सारी सरकारी सहायताएं, सारी सरकारी सुविधाएं और आरक्षण होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये वीडियो है, गाड़ी सोने का दूर रखो यार।
वो बेफिक्र रहो, कोई टोका टाकी ना करने जी, हमारी जिम्मेवारी जी।